नमस्कार दोस्तों, डीजे सार्जन प्रोडक्शन में स्वागत है और एक नए वीडियो के साथ। और यहाँ पर जो भैया लोग हैं, थोड़ा सा नाम पूछते हैं, थोड़ा सा नाम बता दीजिए अपना। पंकज मेरा नाम होगा। आपका पंकज, किनके नाम से चलने वाला है? या सेजल डीजल के नाम से चलेगा। सेजल हाईटेक। सेजल हाईटेक पहले से मतलब चल रहा है ना? फर्स्ट टाइम है। और एड्रेस थोड़ा सा बता दीजिए ताकि लोग पहुंचेंगे। बिहार गोपालगंज से है। और मतलब बिहार गोपालगंज तो काफी बड़ा है, कोई ऐसा लोकल एड्रेस जहां से? लुगनी गांव का नाम होगा, नियर बाय लक्ष्मण मंदिर। फुलगनी, नियर बाय लक्ष्मण मंदिर। चलिए, जो भी एड्रेस आप लोग को बता रहे हैं वो जगह जाके सामान भी देख सकते हैं। हालांकि जब यहाँ से सेटअप जा रहा है इधर, तो ये जो ये बड़ा वाला, ये खुद अकेले ही काफ़ी है। इधर इनका डबल सेटअप एक साथ जा रहा है, आपको बैक कैमरा से थोड़ा सा दिखाते हैं। और ये जो है डबल 18 का पूरा सेटिंग है, इसमें 8 पीस डबल बेस है, इसके ऊपर और HF लगेगा। और साथ में जो इधर देख रहे हैं ये 10 पीस डबल 15 जो अलग रूट में लग रहा है, आपको दोनों का ही एक तो अलग अलग टेस्टिंग करेंगे, उसके बाद एक साथ दोनों को टेस्टिंग करने वाले हैं। और थोड़ा सा आपको एम्पलीफायर की ओर दिखाते हैं। इधर है पूरा ग्रुपिंग और ये रूट। यहाँ पर यामाहा MG10X मिक्सचर यामाहा का, और आपका 2 500 वाट, 1000 वाट। इसमें तीन तरह का आता है, एक MG10, MG10X और MG10XU। सब में ये सेटिंग सब सेम रहता है। MG10X में ये इफेक्ट ज़्यादा मिल जाएगा और MG10XU में यहाँ पर एक कंप्यूटर केबल मिल जाएगा। बाकी बजने में तीनों में कोई डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर ट्यूटर के लिए अलग अलग 500 वाट है, 1000 वाट है। और इधर आपको मिल जाएगा DVX का इक्वलाइजर, ग्राफिक इक्वलाइजर। आप लोग हमारे सेटअप में भी काफ़ी बार देखे होंगे, ये लगा हुआ रहता है ताकि उसका जो बेस का जो फिल्ट्रेशन है उसको एक्यूरेट कर पाएँ। यहाँ पर बेस जो है, सिर्फ बेस, ये आपका ऑडियो टोन का 1802 जो 8000 वाट का है। इसमें चार फैन है, एक एम्पलीफायर में, एक आगे इधर दो और बैक साइड में दो। और यहाँ पर जो डबल 15 है वो बजेगा ये दो एम्पलीफायर से। और इसका सेटिंग जो ये सेटिंग है, इससे सिर्फ और सिर्फ बेस का कनेक्शन रहेगा, बाकी बाईपास होके वो सारा चीज़ बजेगा, यानी डायरेक्ट मिक्सर का आउटपुट से। इनका अलग से स्टेबलाइजर भी जाएगा। ये आपका डिस्ट्रीब्यूटर जो हर एक मशीन को सिग्नल भेज रहा है, जो गाना का सिग्नल है, मोबाइल से गाना का सिग्नल यहाँ जाता है, यहाँ से कुछ सेटिंग होता है और डायरेक्ट यहाँ से वो गाना निकल जाता है। ये दो निकला, फिर ये चला जाता है एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास, एक चल जाता है जिससे बेस बजेगा आपका DVX के पास, और वहाँ से निकल के फिर डिस्ट्रीब्यूटर के पास, और नीचे जिसमें बेस है वो चल गया इक्वलाइजर का सेटिंग। यहाँ पर कुछ आपका सेटिंग है, आपको ऑन रखना है 1 वोल्ट या 0.775 में भी रख सकते हैं। स्टोरियो दोनों में अगर इनपुट देते हैं तो स्टोरियो, सिंगल इनपुट देते हैं तो पैरेलल। और उसके बाद आपका है, दोनों को बाईपास रखना है, दोनों का अलग अलग चैनल में लो पास, हाई पास, बाईपास और हाई पास का दिया है तो बाईपास रखते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने ग्राफिक्स लगा के रखा है। ग्राउंड को ऑन रखना है या ऑफ रखिए, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ने वाला है। उसी तरह सारा एम्पलीफायर चेक हुआ है, सेटिंग हुआ है। यहाँ पर भी सेम 1 वोल्ट या 0.7 वोल्ट भी रख सकते हैं। ये स्टूडियो, ये दोनों बंद है, सेम यही सेटिंग दोनों में। और ये लगभग सारा चीज़ सेटिंग चल ही रहा है। थोड़ा सा बरसात के समय बाहर भी था कैबिनेट। ये लगभग पूरा चीज़ लग के रेडी है। उधर 10 पीस डबल 15 और इधर आपका डबल 18 एक ही साथ जा रहा है। और ये अपना सेटअप पूरा रेडी हो चुका है। लगभग देख रहे, काफ़ी खतरनाक दिख रहा है भाई। और इसका टेस्टिंग भी बहुत जल्द मिलेगा। ये रहा दोनों सेटअप, हालांकि ये दोनों एक ही साथ लगने वाला है, लेकिन अलग अलग टेस्टिंग करेंगे, दोनों का जो टेस्टिंग है वो सुनने को मिल जाएगा कि भाई दोनों में क्या डिफरेंस है।
बेस क्या है और टॉप का रिस्पांस क्या है, फिर दोनों को एक साथ मिल के बजाएंगे। और इधर फाइनली सारा चीज़ रेडी हो चुका है, उधर डीजी भी लोड मतलब चालू होना शुरू हो चुका है और यहाँ पर ये पूरा सिस्टम अभी शुरू होगा। उसमें अभी दो एम्पलीफायर है तो उसमें 8 पीस बजेगा और इसमें भी 8 पीस ही बजेगा दोनों का कॉन्सेप्ट के साथ। और इधर है ओनर सब, इधर मिल लीजिए ओनर सब से बढ़िया से, इन्हीं के हिसाब से पूरा कॉन्फ़िगरेशन इन्हीं के हिसाब से है। और पहले आना पड़ा था ना, एक बार बता दीजिए। जी पहले एक बार आए थे आपसे मिल के गए थे, पहले आना पड़ा था मिल के गए थे, मतलब क्या क्या उनको ज़रूरत है सारा चीज़ समझना ज़रूरी है। तो जो भी चाहते हैं कि डायरेक्ट हमको यहाँ पर चाहिए तो डायरेक्ट नहीं मिलता है, सबको आना पड़ता है, समझना पड़ता है और उसके बाद सारा चीज़ सामने फिट होता है। इसी तो वीडियो में आप लोग को देखने को मिलता ही है। तो दोनों सेटअप है, दोनों का सिंगल सिंगल करके पहले टेस्ट करेंगे। पहले ये जो दो है यानी 8 पीस डबल 15 ये दोनों से चेक होगा, 4 पीस ये एम्पलीफायर से बेस चेक होगा। सारा का सारा मशीन में डबल डबल पंखा है, डबल कूलिंग फैन है, जैसे जैसे गर्म होगा उसके हिसाब से वो पंखा का स्पीड भी फास्ट होते जाएगा। और अभी ये जो फायरिंग मिड वेव्स है वो अभी टेस्टिंग हो रहा है। ये लॉन्ग मिड वेस्ट के हिसाब से ये काफ़ी लॉन्ग थ्रो। अब इसका टेस्टिंग होगा डबल वेस्ट का, जो इसका काफ़ी लॉन्ग जा रहा था। एक अंतर है, इसमें मिड वेस्ट का फायरिंग वाला गाना चलता है और वो लो वेस्ट का यानी दोनों का जो गाना का कलेक्शन है उसमें EDM टाइप का ज़्यादा चलेगा, तो ये चीज़ पे ध्यान देना है। और अभी इसका एक एक करके टेस्ट हो रहा है।